इसलिए चलते दिल्ली प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किसानों के खाते में किस्त को लेकर किस्त जारी कर रहे, क्या कुछ कह रहे सुनिए। शानदार 8 साल काम बेमिसाल। बिल्कुल, तो देखिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि का इंतजार कर रहे किसानों के लिए ये अच्छी खबर है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी आज किसानों के खाते में इसके तहत 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को 19,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। मैं देश के करोड़ों किसानों को वैसे ही 2,000 रुपए वाली किस्त भेजने वाला। पीएम किसान योजना की 15वीं किस्त का इंतजार खत्म। जी हाँ किसान भाई, अगर आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो यह खबर आपके बड़े ही काम की है। आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक किसानों के खाते में 14वीं किस्त के पैसे ट्रांसफर कर दिए गए हैं। वहीं अब किसान पीएम किसान योजना की 15वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, जिनका इंतजार बहुत जल्द ही खत्म होने वाला है क्योंकि आज पीएम मोदी पीएम किसान योजना की 15वीं किस्त की सौगात किसानों के खाते में देने वाले हैं। आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना 6,000 रुपए धनराशि केंद्र की मोदी सरकार किसानों के खाते में जारी करते हैं। वहीं अब तक किसानों के खाते में 14वीं किस्त के पैसे जारी कर दिए गए हैं और आज पीएम किसान योजना के तहत 15वीं किस्त जारी की जाएगी। तो ऐसे में हमें जानते हैं कि आखिरकार जो किस्त आपके खाते में आज जारी होने वाली है, क्या इसका पैसा आपके खाते में मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा। देखिए, अगर आपने अपना EKYC का वेरिफिकेशन साथ ही भुलेख सत्यापन का कार्य करवा रखा है तो आपके खाते में निश्चित तौर पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 15वीं किस्त है जारी की जाएगी। लेकिन अगर आपने अपना EKYC का वेरिफिकेशन और भुलेख सत्यापन का कार्य नहीं करवाया है तो आपको पीएम किसान योजना के तहत जो मिलने वाली राशि है नहीं दी जाएगी। साथ ही आपको यह भी बता दें कि अगर आप लोग जो है ना अपना जो रजिस्ट्रेशन करवाते वक्त अगर आप अपना नाम अंग्रेजी में नहीं लिखे हैं तो ऐसे में भी आपको पीएम किसान योजना के तहत नहीं मिल पाएगा लाभ। आपको बता दें कि पीएम किसान योजना के तहत 12 करोड़ से ज़्यादा किसान जुड़े हुए हैं, केवल 8.5 करोड़ किसानों को ही लाभ मिल पाता है, 3 करोड़ किसानों को लाभ नहीं मिलता सिर्फ और सिर्फ EKYC की वजह से। तो आप जल्द से जल्द EKYC करा लीजिए ताकि आपको भी पीएम किसान योजना का लाभ मिल सके। धन्यवाद।